नमस्कार। हिमाचल अभी अभी .com से मैं दिव्या, पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में सोमवार से खुलेंगे स्कूल, 50% स्टाफ ही आएगा। कंटेनमेंट जोन के दायरे में आने वाले 300 स्कूल रहेंगे बंद। हिमाचल में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 12,000 पार, अभी तक 3 लोगों की गई जान। परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने HRTC की ढली वर्कशॉप का किया निरीक्षण, ऑफिसर्स की कार्यप्रणाली पर जताया असंतोष। हिमाचल में आज से शुरू हुई 12 रूटों पर रात्रि बस सेवाएं। हिमालयी राज्यों के लिए NCERT की तर्ज पर गठित हो संयुक्त शिक्षा परिषद। ऊना जिला के पोस्ट ऑफिस घनारी में हुआ लाखों का घोटाला, पोस्ट मास्टर को किया सस्पेंड। सोलन जिला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के घर दबिश, चीनी तेल बिस्कुट हुए बरामद। नैना देवी मंदिर के समीप निकला नाग नागिन का जोड़ा, 12 दिन में दूसरी घटना आई सामने। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। कोरोना के खतरे के बीच सोमवार से हिमाचल प्रदेश के स्कूल खुल जाएंगे। राज्य सरकार के निर्देशों के बाद रविवार को स्कूलों में हर क्लासरूम को सैनिटाइज किया गया। स्कूल प्रधानाचार्यों ने ड्यूटी रोस्टर तैयार कर विद्यार्थियों को मैसेज भेज दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप पर ये मैसेज भेजा गया है। सोमवार से ऑनलाइन पढ़ाई की मॉनिटरिंग भी स्कूल से ही होगी। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे ऑनलाइन पढ़ाई को और ज्यादा रोचक बनाएं। शिक्षकों को कहा गया है कि वे खुद स्कूल में आकर वीडियो लेक्चर बनाएं ताकि बच्चों को लगे कि वे क्लास में बैठकर ही पढ़ाई कर रहे हैं। प्रदेश के कंटेनमेंट जोन के दायरे में आने वाले 300 स्कूल बंद ही रहेंगे। इन स्कूलों में न तो शिक्षक आएंगे, न ही छात्र परामर्श के लिए आएंगे। प्रदेश में 1872 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं, 229 हाई स्कूल, इसके अलावा 10,721 प्राइमरी स्कूल हैं। प्राइमरी स्कूल पूरी तरह से बंद रहेंगे। सचिव शिक्षा राजीव शर्मा का कहना है कि सोमवार से स्कूलों में 50% स्टाफ आएगा। इसके लिए प्रधानाचार्यों ने रोस्टर तैयार कर लिया है। स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे SOP का सख्ती से पालन करें। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 129 मामले सामने आए हैं और 3 लोगों की अभी तक जांच जा चुकी है। कोरोना संक्रमितों के मंडी से 59, कुल्लू से 14, लाहौल स्पीति से 13, ऊना से 12, शिमला से 10, चंबा से 9, कांगड़ा से 6, सिरमौर से 5 व हमीरपुर से 1 मामला सामने आया है। वहीं 36 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। इसमें चंबा के 14, बिलासपुर के 9, कुल्लू के 6, कांगड़ा के 5 व सिरमौर के 2 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। हिमाचल में कुल आंकड़ा 12,000 पार हो गया है। ये अभी 12,037 है। वहीं 4,400 एक्टिव केस हैं। अब तक 7,507 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना मृत्यु का आंकड़ा 116 पहुंच गया है। आज शिमला व कांगड़ा में कोरोना पॉजिटिव ने दम तोड़ा है। प्रदेश में अब तक 1,999 कोरोना सैंपल जांच को आए हैं। इसमें 438 नेगेटिव रहे हैं। अभी 1,525 की रिपोर्ट का इंतजार है। आज के सैंपल से 36 पॉजिटिव मामले हैं। पिछले कल के 719 सैंपल की रिपोर्ट भी अभी आनी बाकी है। लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज एवं कोविड अस्पताल नेरचौक में रविवार सुबह कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर प्रदीप बंसल का कोरोना की चपेट में आने के बाद चंडीगढ़ में देहांत हो गया। CM जयराम ठाकुर ने डॉक्टर प्रदीप बंसल की मृत्यु पर शोक जताया है। कांगड़ा जिला में 2 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई है। परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर संडे के दिन शिमला स्थित ढली में HRTC की वर्कशॉप में जा पहुंचे। विक्रम ठाकुर ने अफसरों की कार्यप्रणाली पर असंतोष जाहिर करते हुए उन्हें 1 माह का वक्त दिया है ताकि वे अपनी कार्यशैली में सुधार ला सकें। उन्होंने साफ किया है कि अगर कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पर उन्होंने इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग प्वाइंट तथा रखरखाव शेड को पर्याप्त नहीं पाया। विक्रम ठाकुर के इस औचक निरीक्षण के दौरान अफसर कई मसलों पर लाजवाब नजर आए। ठाकुर ने इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग स्टेशन के लिए बनने वाले शेड का काम भी माह भर के भीतर पूरा करने को कहा है। इस दौरान उन्होंने वर्कशॉप की अन्य व्यवस्थाओं को भी नजदीक से देखा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 1 महीने के भीतर इलेक्ट्रिक बसों के और चार्जिंग प्वाइंट तथा शेडों का निर्माण पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों की निरंतरता बनाए रखने के लिए ये इंतजाम किए जाने अति आवश्यक है, जिसमें कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। अधिकारी व कर्मचारी अपने काम के प्रति तत्परता बरतें ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में 6 माह पहले बंद की गई बस सेवाएं आज शाम से शुरू हो गई। 3 रूटों पर बस सेवाएं बहाल करने के बाद आज से 12 रूटों पर रात्रि बस सेवा शुरू हो गई है। इन रूटों में प्रमुख रूप से पालमपुर शिमला, पालमपुर वाया मंडी,
पालमपुर भरमौर कुगती वाया टांडा कांगड़ा नयाग्रा होली चंबा फटाहार वाया जोतचुवाड़ी बद्दी जोगिंदरनगर वाया स्वारघाट बिलासपुर बद्दी से चंबा वाया नालागढ़ स्वारघाट भाकड़ा ऊना मुबारकपुर भरवाई चिंतपुर्णी टेरेस जसूर नूरपुर बनीखेत रूट पर बस सेवा शुरू होगी। इसके अलावा त्रिलोकनाथ धर्मशाला वाया केलंग मनाली मंडी जोगिंदरनगर कांगड़ा जालमा रिकांगपियो वाया मनाली मंडी सुंदरनगर करसोग रामपुर रिकांगपियो शिमला हमीरपुर झाकड़ी हमीरपुर रामपुर चिंतपुर्णी शिमला जसूर वाया बिलासपुर हमीरपुर ज्वालाजी देहरा टेरेस व केलंग से शिमला बस सेवा शुरू हुई। इन सभी बसों की बुकिंग ऑनलाइन माध्यम से भी उपलब्ध है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र के सांसद किशन कपूर ने केंद्र सरकार से हिमालयी राज्यों के लिए एनसीईआरटी की तर्ज पर संयुक्त शिक्षा परिषद गठित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि इससे हिमालयी राज्यों में नई शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा और मातृभाषा में पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम आदि की समस्याओं पर विचार हो सकेगा। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान इस विषय पर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए सांसद किशन कपूर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने गत जुलाई मास के अंतिम सप्ताह में नई शिक्षा नीति की घोषणा की थी। ये शिक्षा में गुणात्मक सुधार की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। नई शिक्षा नीति के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए किशन कपूर ने कहा कि कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए विशाल हिमालयी राज्यों में शिक्षा के प्रचार प्रसार को लेकर बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। ऊना जिला के गगरेट उपमंडल के तहत घनारी स्थित पोस्ट ऑफिस में करीब 14 लाख रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। इस अनियमितता के आरोप में पोस्टमास्टर को विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। पुलिस ने पोस्ट ऑफिस डिवीजन ऊना के अधीक्षक रामतीर्थ शर्मा की शिकायत के आधार पर घनारी डाकघर के पोस्टमास्टर के खिलाफ धोखाधड़ी करने के आरोप में केस दर्ज करते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं डाक विभाग द्वारा आरंभिक स्तर पर की गई विभागीय जाँच के बाद दोषी पाए गए घनारी के पोस्टमास्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं उससे करीब 14 लाख रुपए रिकवर भी कर लिए गए हैं। पुलिस को दी शिकायत के अनुसार पोस्ट ऑफिस डिवीजन ऊना के अधीक्षक रामतीर्थ शर्मा ने बताया कि घनारी पोस्ट ऑफिस में तैनात पोस्टमास्टर रचपाल सिंह निवासी फतेहपुर जिला कांगड़ा ने डाकघर के करीब एक दर्जन खाता धारकों से पैसे लेकर उनका गोलमाल किया है। एसपी ऊना अर्जित सेन ठाकुर ने मामले की पुष्टि की है। सोलन के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं व बच्चों के पोषण के लिए बांटे जाने वाले लाखों के राशन को विभाग की ही महिला कर्मचारी द्वारा नकारने का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा होने के बाद विभाग ने इस महिला कर्मचारी के घर दबिश दी और वहां से राशन बरामद किया। 16 पैकेट फॉर्च्यून, 10 किलो चीनी का बैग, 88 पैकेट बिस्कुट पाए गए। इन्हें सील कर दिया गया है। सोलन के अर्की क्षेत्र की ग्राम पंचायत घनागुघाट के गाँव कलाहरण छटेरा निवासी कृपाराम ने बताया कि पंचायत घनागु घाट के आंगनबाड़ी केंद्र शेरपुर में सीडीपीओ अर्की कार्यालय के अंतर्गत आने वाले आंगनबाड़ी केंद्र में प्रसूता महिलाओं, किशोरियों एवं बच्चों को बांटने वाले राशन को पूरी तरह ना बांटकर आंगनबाड़ी में कार्यरत कर्मचारी के घरों में प्रयोग में लाया जा रहा है। मामले का खुलासा होने के बाद विभाग ने इस महिला कर्मचारी के घर दबिश दी और वहां से राशन बरामद किया। हिमाचल स्थित शक्तिपीठ नैना देवी मंदिर के समीप नागनागिन का एक जोड़ा देखा गया। ऐसा 12 दिन के भीतर दूसरी बार हुआ है।
ताजा मामले में मंदिर के समीप देखे गए नागनागिन के जोड़े को एक दुकान के भीतर घुसते देखा गया। उसके तत्काल बाद एक बाबा को बुलाकर उसे बाहर निकाला गया। काले रंग का ये जोड़ा बीन बचाते ही बाहर निकल आया। इसके बाद इस जोड़े को जंगल में छोड़ दिया गया। इस दौरान काफी भीड़ वहां जुट गई थी। इससे पहले 8 सितंबर को श्री नैना देवी मंदिर में एक बड़ा सांप देखा गया था। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।